हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज फ्रेंड्स में आप लोग के साथ में कुछ ऐसे विंटर प्लांट्स की कटिंग लगाना बताऊंगी जिसको आप अभी इस टाइम पे कटिंग लगाते हैं तो आने वाले विंटर में, यानी कि विंटर क्या मैं बात करूं तो अप्रैल तक की बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी ये जो प्लांट है आपके पास होंगे या फिर नर्सरी से ला रहे हैं तो इनको आप ज़रूर लगा लीजिएगा कटिंग से, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि विंटर में वो ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं मदर प्लांट, लेकिन कटिंग से हम उनको तैयार करके ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं और उनसे जाते जाते सर्दियों तक अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि वो गर्मियों तक में, मतलब लास्ट ईयर वाला इस साल भी आप मतलब चला सकते हैं, तो कुछ ऐसे ही प्लांट्स हैं। तो कौन कौन से प्लांट है आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स यहाँ पे जो विंटर का सबसे खूबसूरत प्लांट होता है, विंटर का राजा माना जाता है, वो हमारा पेटूनिया। तो पेटूनिया भी बहुत अच्छे से इनकी कटिंग लग जाती है। इनकी कटिंग के लिए हमें कोई अच्छी सी स्टेम्स लेनी है। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी केयर बता दूं कि अगर आपको अच्छे से फ्लावरिंग चाहिए तो जो इस तरीके से आप देख रहे हो फ्लावर्स एक्सपैंड हो गए हैं ये इस तरीके से, इनको आपको हटा देना, नहीं तो इसमें सीड बनने लगते हैं। और इस तरीके से मैं दिखा दूँ इनके जो सीड बनना स्टार्ट हो गए हैं, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से सीड बनते हैं, तो इनको आप हटा दें, नहीं तो जब सीड बनेंगे तो आपका पिटूनिया का प्लांट बढ़ने से लगेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा और इस पेंड में फ्लावर भी आपको हटाने हैं, और जब भी आप हटाएं तो यहाँ से इस तरीके से हटाएं। कटिंग लेने की मैं बात करूँ तो फ्रेंड जैसे ये आप देख रहे हो ना मैच्योर स्टेम से इस तरीके से यहाँ से लेनी है। आपको सीजर लेना है, सैनिटाइज किया हुआ सीजर। यहाँ से ये जो चीज़ देख रहे हो ये होता है रूटिंग पॉइंट, तो आपको यहाँ से कट करते हुए लेना है इस तरीके से। तो ये यहाँ से भी स्टेम निकल रही है, यहाँ से फूल खिल सकते हैं, बट ये रूटिंग पॉइंट है तो यहाँ से हम इसको चीज़ को रिमूव कर देंगे। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है रूटिंग हॉर्मोन्स के लिए, और देखिए इतनी ढेर सारी इसमें कलियाँ भी आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं रूटिंग हॉर्मोन्स के जगह पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ, बहुत ही अच्छा रूटिंग हॉर्मोन्स माना जाता है। तो इस तरीके से डिप करके हमें लगा देना है सेंट सॉइल में, या फिर आप कोई भी गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल ली हूँ और इसके नीचे मैंने ड्रेनेज होल अच्छा सा बना के रखना है इस तरीके से, ताकि एक्स्ट्रा वाटर वो जमा ना हो। और यहाँ पर कटिंग बिल्कुल लगा देनी है, 1.5 इंच यहाँ पर कटिंग अंदर करनी है और वाटरिंग कर देनी है। तो इस तरीके से आप पिटूनिया की भी कटिंग लगा सकते हो, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। और इनको 1-2 दिन धूप मत रखिएगा, वैसे अभी जो धूप निकल रही है बिल्कुल भी हल्की धूप है, कोई भी इशू नहीं है, रख सकते हैं, बट पार्शियल धूप होगी तो ज़्यादा बेस्ट होगा कटिंग लगने के लिए। आप वाटरिंग करिएगा, ज़्यादा वाटरिंग नहीं, इतना दीजिएगा मिट्टी में नमी रहे, बाकी आपका आराम से चलता रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो फ्रेंड्स ये वर्बीना का, तो वर्बीना में भी फ्लावरिंग होके ख़त्म हो रही है अभी, लेकिन अभी इनका टाइम है खिलने का, ये मार्च तक खिलते हैं। और इसी तरीके से देखिए इसमें भी स्पैंड हो गए, तो इसमें बीज बनने लगते हैं, तो इनको आप रिमूव कर दें इस तरीके से, यहाँ पे भी इसको रिमूव करना है। और कटिंग लेने की भी बात करूँ, ये मेरा देखिए पिंक कलर का है, कुछ खिल रहे हैं अभी, बर्ड्स भी कलियाँ आ रही हैं। तो मैं कटिंग लेने की बात करूँ तो वैसे ही सेम मैच्योर स्टेम्स लेनी है, यहाँ से इस तरीके से लेना है, देखिए इस तरीके से कटिंग लेनी है और लीव रिमूव कर देनी है जो भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं। इसमें एलोवेरा जेल लगा लेना है इस तरीके से, और कटिंग के लिए जो मैं सॉइल ली हूँ बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल है, ये मैं कॉफ़ी मग ली हूँ, सॉरी कॉफ़ी वाला जो गिलास आते हैं डिस्पोजल वाले, वो वाले हैं पेपर कप, आप किस में भी लगा सकते हैं, लग जाएगी आसानी से, इस तरीके से छोटा सा है तो कटिंग के लिए गिलासेस सही होते हैं, आप लगा लेंगे इस तरीके से। वही चीज़ें फॉलो करना है आपको, आप पार्सल धूप में रखिए या फिर छांव में रखिए, पानी आप इतना दें कि नमी बनी रहे। नेक्स्ट जो हमारा है ये फ्रेंड्स मेरा लालसे का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है और कलर देख सकते हैं इसमें 2-3 कलर हैं, पिंक, मरून और थोड़ा सा ऑरेंज में है, तो मैं इनकी भी कटिंग लगाना चाहूँगी, बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो फ्रेंड्स इसके भी मैच्योर हमें स्टेम्स लेनी है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, तो ये यहाँ से मैं लूँगी कटिंग इसकी इस तरीके से देख सकते हो, और सेम वही प्रोसेस होगा एलोवेरा जेल में डिप करके
हमें किसी भी इस तरीके से वेस्टेज पोट का पाते को लड़ाते उसमें भी हम लगा सकते हैं प्लांट्स को, बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हम इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट ये फ्रेंड डाइंथिस है, और इस तरीके के इसके फ्लावर्स खिलते हैं, और अभी विंटर सीजन आ गया है ना, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और ये मेरा नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर वाला प्लांट है, इसकी भी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। तो छोटे से स्टेम्स लेनी है आप इस तरीके से ले सकते हो, चाहे यही मैं लगा देती हूँ जिसमें फूल खिले हुए हैं, यहाँ से स्टेम लेनी है। और ये पूरे साल फ्लावरिंग देता है, सर्दी गर्मी बरसात, लेकिन विंटर का सीजन जो होता है इसके लिए बेस्ट माना जाता है, बहुत अच्छे से ये ब्लूम करते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से फ्लावर रूट्स निकलेंगे, तो हम यहाँ से इस तरीके से जो लीव्स होते रिमूव करके हम किसी भी सॉइल में, आप चाहे तो एलोवेरा जेल या ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, देखिए इस तरीके से आसानी से ये लग जाते हैं। थोड़ा सा एक दो इंच अंदर करना है मिट्टी के, देख सकते हो फाइनली यहाँ पे लग गई कटिंग डाइंथिस की विंटर प्लांट्स। तो थोड़ा सा दबा देना ताकि कटिंग हिले ना, कटिंग हिलेगी तो कटिंग ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक गुलदावरी की कटिंग नहीं लगाई है तो लगा सकते हैं, कलियाँ आई हुई भी कटिंग आराम से लग जाती है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ इस तरीके से कटिंग हाइब्रिड, ये गुलदावरी है क्रायसैंथेमम में, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं इनको रिमूव कर देना है, और आप चाहें तो लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लग जाएगी आराम से। तो इसमें भी इस तरीके से एलोवेरा जेल लगाएंगे हम कि कटिंग जल्दी से लग जाए। वैसे फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है सारे कटिंग्स में, और इस तरीके से इनके भी हम कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये मेरी गोल्ड है, और देखिए यहाँ पे कलियाँ आई हुई थी, बंदरों ने खा लिया है। तो मेरे यहाँ पे जो मेरी गोल्ड फ्रेंड बहुत मुश्किल से खिलते हैं, क्योंकि इस तरीके से कलियाँ आती हैं तो बंदर खा जाते हैं। तो ये जाफरी वाला गेंदा है, इनकी कटिंग में ज़रूर लगाना चाहूँगी, एक प्लांट है मैं नर्सरी से लाई थी अभी, तो अभी कलियाँ आ रही हैं तो सोच रही थी लगाने के लिए कटिंग, तो आज मैं लगाने जा रही हूँ। तो इसकी कटिंग भी हम चाहे ऊपर से नीचे से कहीं से भी लेके लगा सकते हैं, तो यहाँ से मैं नीचे से कटिंग इसकी लेने वाली हूँ यहाँ से। और गेंदे की कटिंग पर बहुत ही आसानी से लग जाती है, देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग ली हुई है। तो यहाँ से देखिए जहाँ से कटिंग लगनी है इसका थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो यहाँ से मैं लगाऊँगी। और यहाँ की देखिए मैंने लीव रिमूव कर दी है, तो अब यहाँ तक एक दो इंच तो जाता है ये मिट्टी के अंदर, तो आराम से ये लग जाएगी। तो इसको चाहे तो एलोवेरा जेल या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग लगा दी है छोटे से गिलास में। तो मेरी गोल्ड को भी आप अभी ज़रूर कटिंग से ग्रो करें। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है और फ्रेंड्स हमारा ये कॉस्कॉम, तो कटिंग से लग जाती है, लेकिन ये हाइब्रिड वाले हैं, छोटे से गार्डन में मेरे उगा हुआ था, तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, अगर पौधे हैं तो पौधे भी लगा सकते हैं, तो भी ज़्यादा बड़ी इसमें रूट्स नहीं होती है, तो इनको आराम से लगा सकते हैं। तो अभी मैं अलग कर रही हूँ, तो इनको भी इसी गमले में, सॉरी गमले में डिस्पोजल में ही सेट कर दूँगी। जब ये थोड़े से सेट हो जाएंगे तो मैं अलग रिपोर्ट कर दूँगी। तो आप कॉस्कॉम को भी इस तरीके से लगा सकते हैं, मुर्गा फूल भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है एक रोज़ प्लांट, तो यहाँ पे ये इंग्लिश वाला रोज़ है, ये बटन रोज़ है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश रोज़ की कटिंग लगाना चाहूँगी इस बार। तो मैं देखती हूँ किस तरीके से इनकी कटिंग तैयार होती है, आप अभी कोई भी कटिंग लगा दें आसानी से लग जाती है, न्यू स्टेम या ओल्ड जो भी। तो मैं यहाँ पे छोटी सी इस तरीके से कटिंग लेना चाहूँगी, तो यहाँ पे एक हाथ से नहीं बनता है। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग ली हुई है, तो ये बेस्ट पार्ट मुझे मिला है कटिंग लगाने का। तो यहाँ से इस तरीके से जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं रिमूव कर देना है, और ये जो फूल खिले हुए हैं ना इनको भी हटा देना है। उसके पहले हमें रूटिंग हॉर्मोन्स यूज़ करना है, जो कि आपको पता ही है, वो है हमारा एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है रूटिंग हॉर्मोन्स यानी एलोवेरा जेल को, इसी तरीके से इसमें डिप करना है, और ये मेरी सॉयल है, इसमें इसकी कटिंग लगा देनी है आराम से। तो ये लग गई रोज़ की कटिंग, आप भी लगा सकते हो, आसानी से लग जाने वाला है प्लांट होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है फ्रेंड्स, तो हमारा ये कलांचुए हैं,
क्रांचों की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। मैंने ढेरों सारी यहाँ पे लगा के रखी हुई है, आप देख सकते हो। मैं एक कटिंग आपको निकाल के दिखाती हूँ। कुछ दिन मैंने, एक हफ्ता हुआ होगा लगाया हुआ था, और देखिए इस तरीके से इसमें रूट छोटी छोटी आई हुई हैं, देख सकते हो आप। तो कलांचों की भी कटिंग अभी लगा सकते हैं, कलियाँ आना शुरू हो गई हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारा प्लांट है वो है कोलियस, तो आप कोलियस की भी कटिंग लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसकी मैंने वीडियो शेयर करी हुई, कोलियस की ढेरों सारी कटिंग लगाई थी, और ये फ्रेंड्स लग गई हुई हैं सारी बहुत अच्छे से। तो इनका रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। जब मैं रिपोर्ट करूँगी फ्रेंड्स, तो इसकी वीडियो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप कोलियस की भी कटिंग अभी इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है साल्विया, तो साल्विया प्लांट की भी आप कटिंग अभी लगा सकते हैं, छोटे से स्टेम्स लेके लगा सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग नहीं लगाई अभी, क्योंकि अभी छोटा सा प्लांट है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी लगाने का टाइम है। आपके पास प्लांट है तो इनकी कटिंग बिल्कुल लगाना ना भूलें, अभी ज़रूर लगाएं, अच्छे से फ्लावरिंग ही देते हैं। और फिर जो नेक्स्ट हमारा प्लांट है वो है हाइब्रिड सदाबहार एनीबिनिका, इनका की भी कटिंग आप ज़रूर लगाएं, बहुत ही आसानी से लग जाने वाली है कटिंग होती है। आप कहीं से भी ले लें, गार्डन में आपके होगा या फिर नर्सरी से भी ला के लगा सकते हैं। सो फ्रेंड ये थे हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी कटिंग आप अभी इस नवंबर के मंथ में लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाने वाले ये पौधे होते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर एक बार ये आपके गार्डन में लग गए फ्रेंड्स, तो पूरी सर्दी फूलों की कभी नहीं होने देने वाले हैं, आप इनको बिल्कुल लगाइएगा देर किए हुए। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आज आप लोगों को अच्छी एंड हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।